क्लास 12 इकोनॉमिक्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए मैंने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोनों ग्रुप के लिए बता दिया है, और आप लोग को बोला भी था कि जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर लिख कर दे सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। एक बच्चे ने चैनल पर ही लिखकर भेजा है कि मुझे ये क्वेश्चन को समझा दीजिए, तो उसी क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपका ही चैनल है जिसके माध्यम से आपको विभिन्न तरह की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जिसमें मैंने ग्रुप बी का इकोनॉमिक्स ग्रुप बी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बताया था, उसी में ये क्वेश्चन आया है इनके द्वारा कि सर क्वेश्चन 3 का समझ में नहीं आया है इकोनॉमिक्स का। और इन्होंने फिर आगे भी कमेंट करके बताया है कि चैप्टर 1 में जो क्वेश्चन 3 है उसको समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, रेखा चित्र की सहायता से यह स्पष्ट करें कि आय एवं रोजगार कुल मांग तथा कुल पूर्ति यहाँ द्वारा हो जाएगा, द्वारा किस प्रकार संतुलन निर्धारित करती है, या फिर इसी को घुमा के पूछेगा प्रभाव को मांग की व्याख्या करें, इसके मुख्य निर्णायक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है, केन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार सिद्धांत का उल्लेख किया। केन्स के अनुसार रोजगार जो है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। प्रभावपूर्ण मांग जो है वो क्या है, तो उपभोग संबंधी वस्तुओं तथा विनियोग संबंधी वस्तुओं की मांग के योग के बराबर होती है। मतलब उपभोग संबंधी वस्तुओं और विनियोग संबंधी वस्तुओं के योग को हम लोग प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। प्रभावपूर्ण मांग का फॉर्मूला है ED बराबर उपभोग मांग, मतलब जिसको C बोलेंगे, प्लस निवेश मांग जिसको I बोलेंगे, मतलब ED बराबर C प्लस I हो जाएगा। साधारण भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चा यदि बिस्कुट का मांग अपनी माँ से करता है, तो उसकी माँ दुकानदार से बिस्कुट खरीद के लाती है, दुकानदार वही बिस्कुट को बेकरी वाला से खरीद के लाता है, और बेकरी वाला उसी बिस्कुट को तैयार करता है बाजार से मटेरियल को जमा करके या खरीद करके। तो एक बच्चे का मांग कितना आदमी का आय का स्रोत बनेगा, तो वैसे मांग को ही हम लोग प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। उपभोग से संबंधित वस्तुएं वे हैं जिनका उपभोग व्यक्ति या परिवार अपनी समान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जैसे खाद्यान्न वस्त्र आदि। निवेश से संबंधित वस्तुएं वे हैं जिनका उपयोग संरचनात्मक या विनिर्माण उद्योग में होता है, जैसे मशीन पावर प्लांट आदि। मतलब कहने मतलब जो प्रभावपूर्ण मांग है वो उपभोग मांग और निवेश मांग पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ तक ये उपभोग के बारे में बताया गया है, और निवेश से संबंधित जो निवेश मांग के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे है, प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक दो तत्व है, कौन कौन है, तो समग्र या जिसको हम लोग कुल भी बोल सकते हैं, समग्र मांग या फिर कुल मांग बोल सकते हैं, इसको एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। तो समान कीमत स्तर पर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को हम लोग समग्र मांग कहते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तु और सेवा का जो मांग होगा वही कुल मांग कहलाएगा। कुल मांग को हम लोग लिख सकते हैं उपभोग प्लस निवेश, या फिर AD बराबर C प्लस I, जहां C क्या है उपभोग और I है आपका निवेश। ये जो फॉर्मूला है वो बंद अर्थव्यवस्था में के लिए है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब जिसका किसी देश से व्यापार व्यवसाय नहीं होता। कुल मांग का एक और फॉर्मूला है, उपभोग प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात। ये आपका खुली अर्थव्यवस्था में है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा AD बराबर C प्लस I प्लस X माइनस M। यहाँ X जो है वो निर्यात, M है सो आयात है। चित्र में हम लोग AD को देख सकते हैं, ये AD का चित्र है। इसका चित्र ये इस तरह होता है AD। तो यहाँ पर AD जो F है, ADF, वो फंक्शन ऑफ N है। यहाँ ADF जो है वो कुल मांग फलन को बता रहा है, और N जो है वो रोजगार को बता रहा है। मतलब अगर रोजगार बढ़ेगा तभी समग्र मांग में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उसका आय बढ़ेगा तो मांग बढ़ाएगा। इसीलिए ADF जो है वो निर्भर करता है किस पर, रोजगार पर निर्भर करता है। तो चित्र में ADF का बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि जैसे जैसे रोजगार की मात्रा बढ़ती जाती है कुल मांग फलन भी बढ़ती जाती है। अब है समग्र पूर्ति या कुल पूर्ति, जिसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे AS। तो अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु की कुल पूर्ति के योग को समग्र पूर्ति कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुल पूर्ति बराबर उपभोग प्लस बचत। जैसे उसमें था उपभोग प्लस निवेश था, इसमें उपभोग प्लस बचत हो जाएगा, मतलब AS बराबर C प्लस R। और इसका जो चित्र बनेगा वो आपका कुछ इस तरह बनेगा, मतलब R बिंदु के बाद ये क्या हो जाएगा, लंबवत रेखा हो जाएगा। तो
तो जो आर जो बिंदु होता है वो पूर्ण रोजगार का बिंदु होता है, यहाँ से ये लंबवत हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं चित्र से यह स्पष्ट है कि ओ एन तक रोजगार के बढ़ने के साथ साथ ए एफ बढ़ता है, उसके बाद यह लंबवत हो जाता है। मतलब ओ एन तक बढ़ेगा, उसके बाद आर बिंदु के बाद यह क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है आपका समग्र पूर्ति फलन। संतुलन कहाँ होगा, तो समग्र मांग और आपूर्ति में संतुलन उस समय होता है जब किसी विशेष कीमत स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए। मतलब एडी और एएस जहां बराबर हो जाएगा वहीं संतुलन का निर्धारण होगा और वही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु भी कहलाएगा। जैसा कि आगे लिखा है, संतुलन स्तर की समग्र आपूर्ति से जुड़े रोजगार स्तर को रोजगार संतुलन रोजगार या प्रभावपूर्ण मांग कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ई बिंदु पर मिल रहे हैं, इसलिए संतुलन बिंदु ई होगा और यह प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होगा। इधर अगर वाई एक्स तरफ हम माप करेंगे ओ एम, तो ये बढ़ते हुए विक्रय है, मतलब बिक्री प्राप्तियां हैं, और ओ एन जो है वो आय और रोजगार को बता रहा है, और एन एन टू जो है वो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को बताएगा। चित्र में एडी समग्र मांग की रेखा है, एएस समग्र पूर्ति की रेखा है, ये दोनों वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है जो संतुलन बिंदु है। इस बिंदु पर रोजगार ओएन के बराबर है तथा विक्रय प्राप्ति ओएम के बराबर है। तो बच्चों जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका ये कंप्लीट आंसर है। आशा करते वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, और भी कोई प्रश्न हो गए तो ज़रूर आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं उसका आंसर वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय बाय।